एजुकेशन या स्टूडेंट सेफ्टी, इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा इंडियन पेरेंट्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फैसले निकालती रहती है जिसका स्टूडेंट्स पर काफी असर पड़ता है, चाहे वह सिलेबस 30% कम कर देना हो या फिर एग्जाम्स का कंडक्ट करवा देना हो। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने थोड़े समय पहले पेरेंट्स को एक गाइडलाइन जारी करी है। उन्होंने पेरेंट्स से सुझाव मांगे हैं कि क्या वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, अगर हाँ तो कौन सा महीना इसके लिए सही रहेगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और इसके लिए वो क्या जवाब देंगे वही उन्हें बताना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडुवार्ता और मैं हूँ आपके साथ विनायका शर्मा। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण भारत में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये फैसला सुनाना काफ़ी अटपटा लगता है। पेरेंट्स को भी ये फैसला काफ़ी पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन जारी कर दिया है जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने सारी यूनियन टेरिटरीज व स्टेट्स के पेरेंट्स से सजेशन कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। उन्हें तीन ऑप्शन दी गई हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर। इन तीन महीनों में से किसी महीने में भी वे स्कूल रीओपन करवा सकते हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि आंध्र प्रदेश ने एक अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। आंध्र प्रदेश ने फैसला लिया है कि 5 सितंबर से उनके स्कूल रीओपन कर दिए जाएंगे। इसी फैसले से पेरेंट्स उसके विरुद्ध हैं और वह कैंपेन जारी करके बैठे हैं। पेरेंट्स ने नो वैक्सीन नो स्कूल का कैंपेन जारी करा है जो कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया है। पेरेंट्स का कहना ये है कि अभी तक कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई और अगर उनके बच्चे रिस्क में जाएंगे तो ये उनका ही नुकसान होगा, तो आंध्र प्रदेश को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। पेरेंट्स का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ MHRD तक के भी पेटिशन भर देंगे, क्योंकि अगर उन्हें ये फैसला सही नहीं लगा तो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर्स की भी यही सलाह है कि अभी स्कूल रीओपन ना करे जाए, और अगर स्कूल रीओपन करे भी जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी स्कूल पर होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, सैनिटाइजेशन करवाना, ये सब स्कूल पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक स्कूल्स नहीं खोले जाने चाहिए। अभी थोड़े समय पहले ही एक हैशटैग काफ़ी वायरल हुआ था। वो हैशटैग था इस डिसीजन पर कि स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर का हैशटैग काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद ये डिसीजन आना काफ़ी शॉकिंग है। अब फैसला MHRD पर ही छोड़ा गया है और सबकी नज़रें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं और हम भी आपको इस फैसले की जानकारी जल्द ही देंगे। अगर हम आपको बताएं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं तो पेरेंट्स का कहना ये है कि अभी भी कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इस स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस ही एक अच्छा उपाय है और स्कूल्स को अभी रीओपन नहीं करना चाहिए बल्कि ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करवानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें। आप देख रहे हैं एडुवार्ता और मैं हूँ आपके साथ विनायका शर्मा। सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एडुवार्ता के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।